हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट बना है, किस तरह से आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पूरे दिन वर्क किया है और फर्दर अभी क्या होने वाला है। मार्केट क्या एक कोई नया रेंज बना रहा है या फिर फर्दर यहीं पे क्लोजिंग करने का मार्केट का मूड है, हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग में मैंने आपके लिए कुछ सेंटीमेंट दिया था, अगर मार्केट 72,200 से ऊपर निकलता है तो फिर 600 तक जा सकता है, अगर नीचे निकलता है तो 71,500 तक जा सकता है। इधर लो का फॉर्मेशन लगभग किया है 71,600 के आसपास। अब उसके बाद में वहीं से मार्केट एक रेंज बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहां पे चार्ट की अगर बात करते हैं, सिल्वर माइक्रो का अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये हमारा। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, 72,200 को हम एज ए सपोर्ट काम करेंगे मार्केट के लिए। 72,400 से लेके 72,200 का ये जो इसने जोन क्लोजिंग किया था, ये इसके लिए एज ए जोन काम करेगा, जो कि सप्लाई जोन का वर्क करेगा। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, जैसा है पूरे दिन की ट्रेडिंग बनी हुई है और नीचे ये रेंज बना हुआ है। तो ओवरऑल क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए 72,400 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके आसपास कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो इसको क्लोजिंग ऊपर करना चाहिए। एक स्पाइक लगाता है तो फिर हम इसमें, स्पाइक हमारे फेवर में फिलहाल के लिए नहीं होती है, स्पाइक जब भी लगती है तो वो एक सडन स्पाइक रहती है, फिर डाउन साइड आ जाता है। अब यहाँ करंट सिचुएशन में ऐसा कोई सिचुएशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाना है, जब तक ये 72,400 के ऊपर बनना स्टार्ट नहीं होता है। उसके ऊपर भी निकलता है तो मार्केट 200 से 300 पॉइंट के ही रेंज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसके बाद में एक स्टेप हम अगर और चलते हैं, जो कि है फोर आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ और कन्फर्मेशन समझ में आएगा। तो यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ओपनिंग के बाद में सेकेंड कैंडल का लगभग क्लोजिंग उससे ऊपर होती है, लेकिन थर्ड कैंडल जो 5 बजे के बाद मोमेंटम रहा है उसने फिर दोबारा उसी रेंज को बनाया। ओवरऑल इसने 3 कैंडल ने रेंज बनाया हुआ है। इससे पहले बड़ा मूव हो चुका है ऑलरेडी, तो इस बड़े मूव के बाद में एक छोटी कैंडल बननी बनती है। अगर ये छोटी कैंडल यहाँ बन जाती है, डाउन साइड 72,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट के लिए आपके लिए एक नया लो देखने को मिलेगा, जो कि 71,500 का। अभी इसने टच नहीं किया, इसने 600 के आसपास आया है, यहाँ से रिकवर कर गया है। तो इसमें 400 पॉइंट का मोमेंटम रहा है, 400 से 600 पॉइंट के बीच में। ओवरऑल सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल के लिए बाइंग के लिए हम नहीं जाएंगे। अगर आपने सेल साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी है तो आपको 400 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 400 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, अगर उससे नीचे बना रहता है तो मार्केट में अभी फर्दर के लिए हम बाइंग के साइड में नहीं जाने वाले। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं कैंडलस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसने यहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद ही हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर अभी मार्केट के लिए ये डाउन साइड में एक बार आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो रेंज बनती हुई दिख रही है 72,400 से लेके 71,600, यही रेंज में ये जहाँ इसकी पूरे दिन की ट्रेडिंग हुई है इसी में इसको क्लोजिंग करना चाहिए अप एंड डाउन में। इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ये थोड़ा सा रिकवर कर गया है यहाँ से। तो अगर रिकवर भी करता है फिर भी अगर हमारे कन्फर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, जो कि हमारा आता है 72,400 के ऊपर, तभी इसमें आप एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बड़े मूव के बाद में एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट फॉलोअप आता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहता है, अगर आपको ट्रेड मिलेगा तभी ट्रेड करिएगा, अदरवाइज मार्केट आपको फंसा भी सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।